हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही लगन पूर्वक जारी रखे होंगे। तो आइए इसी क्रम में आज समझते हैं अपना लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग डाइपोल मोमेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टडी को बहुत ही ईमानदारी विद ऑनेस्टी करना है हमें। किसी को भी अपने परिवार में धोखा नहीं देना है और बहुत ही लगन के साथ हमें मेहनत के साथ आगे बढ़ना है और पढ़ना है। तो आज हम लोग बात करेंगे पोलरिटी एंड डाइपोल मोमेंट, हिंदी में बोलते हैं ध्रुवणता तथा द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्चुअली में ये है क्या, क्या होता है, इसका क्या प्रयोग है, इसके माध्यम से हम क्या क्या समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अगर इसको मैं हिंदी में लिखूं, ध्रुवणता तथा द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुवणता व द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो इस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें हम दो टाइप के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े थे। एक तो जो सेम टाइप के एटम से बनते हो, जैसे H2, Cl2, F2, जो सेम टाइप के एटम से बने। ठीक है, एक दूसरे जो डिफरेंट टाइप के एटम से बने हो, ठीक, जैसे HCl, HF, तो इस टाइप के, यानी कि टू टाइप के हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े थे। तो उसी में से जो है, अगर बताइए हमने क्या कहा था कि जब दोनों के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में जो है डिफरेंस होगा, तब जाके उसमें थोड़ा सा क्या आता है, ये चीज होता है क्या, पोलरिटी। पोलरिटी यानी कि ध्रुवता कब होती है मेरे बच्चों? तो देखिए, अगर मान लीजिए कि सेम टाइप के एटम है, अगर सेम टाइप के एटम जो है, ये है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, जब सेम टाइप, बच्चों जब सेम टाइप के एटम हो तब एक बार कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और जब डिफरेंट टाइप के एटम हो तभी भी हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। ठीक, तो देखें, देख रहे हैं हम लोग, जब सेम टाइप का होगा तो बताइए इसकी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या इलेक्ट्रिक पॉजिटिव होता है। ये इलेक्ट्रो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो इन दोनों का जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो निगेटिविटी दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, सेम, तो दोनों का जो है इसमें जो शेयर इलेक्ट्रॉन है, दोनों का जो है, दोनों का इलेक्ट्रॉन बीचों बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा, बीचों बीच में, यानी कि जो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन हैं, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, तो उनमें जो है दोनों के इलेक्ट्रॉन, दोनों सेम टाइप के एटम हैं, इसलिए जो अट्रैक्शन फोर्स होगा दोनों का इलेक्ट्रॉन पर वो बराबर होगा। इसलिए ना इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो पाएगा, ना इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो पाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों कि ये क्या हो जाएगा, ये जो है पोलरिटी शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके साझे के इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, वो बीच में बने रहेंगे, इसलिए ये पोलरिटी शो नहीं करेगा। तो पोलरिटी शो करेगा कौन, ये देखेंगे हम लोग। जैसे प्यारे बच्चों अगर हम ले लिए HCl, अब इन दोनों के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है, आपको पता होना चाहिए। इन दोनों में कौन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो Cl है। हमने ऑर्डर भी बताया था, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि FeNCl, ये जो मेन होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इनका बहुत उपयोग होता है, इसलिए ऐसे इसको FeNCl के फॉर्म में याद करते हैं। ठीक है, तो HCl में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसमें इसमें भी तो सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें भी क्या होता है कह रहे बच्चों, सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब हुआ कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बंध बना है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें भी तो होगा, क्या होगा इसका भी क्या होता है कह रहे बच्चों, कि इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है साझे के जो दो इलेक्ट्रॉन है, वो ये जो है बीचों बीच में ना होके
जो अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, उसके तरफ शिफ्ट हो जाता है। उसके तरफ क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, शिफ्ट हो जाता है। वो कैसे होगा, जैसे बीच में होना चाहिए, लेकिन बीच में क्यों नहीं होता, क्योंकि ये क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करता है, इसको अपने तरफ क्या कर देता है, अट्रैक्ट कर लेता है। यानी कि जो साझे के इलेक्ट्रॉन है, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, वो किसके तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्लोरीन की तरफ। जिससे क्या होता है, जब ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो बताइए इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी कि हाइड्रोजन के तरफ इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई प्यारे बच्चों, कमी हो गई। तो कमी हो जाने की वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, और ये जो है अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लिया, रख लिया, इसके तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो कौन शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव, तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव आ जाएगा। इसी प्रोसेस को ये अब क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया। इसी प्रोसेस को पोलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पोलरिटी, इसी प्रोसेस को कहते हैं। पोलरिटी कब होगी, जब जो टू एटम हैं वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट हो, जिनमें से एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो, ज्यादा हो, यानी कि दोनों के बीच में क्या पाया जाए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाए, तभी जाके हमको पोलरिटी देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? या एब्सोल्युटली क्लियर तो होगा ही, मैं पढ़ा और क्लियर ना हो तो आप लोगों ने ये देखा। इसके बाद अब हम लोग जस्ट बात करने वाले हैं डाइपोल मोमेंट और डाइपोल की। सबसे पहले बात करेंगे डाइपोल क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, व्हेन टू स्मॉल चार्जेस आर सेपरेटेड सम डिस्टेंस डी जस्ट लाइक सपोज here is two charges plus q and here is minus q, तो जब ये दो charges जो है ये separated होंगे some distance d, ठीक है, जो कि दोनों चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक ना, ये मैग्नीट्यूड में दोनों चार्ज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, दोनों चार्ज क्या होने चाहिए, मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए, लेकिन इनका जो नेचर है, इनका जो नेचर है वो डिफरेंट होना चाहिए। इन दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, डिफरेंट। देखिए एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है, लेकिन दोनों क्यू क्यू है, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड है, कह सकते हैं व्हेन टू चार्जेस, जो व्हेन टू स्मॉल चार्जेस आर सेपरेटेड सम डिस्टेंस डी व्हिच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, ठीक है। तो नेचर में ये दोनों क्या है, अपोजिट है, ये प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है, लेकिन इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो क्या है, बराबर है। तो ऐसी युक्ति को, ऐसे सिस्टम को, दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड डाइपोल, इज कॉल्ड डाइपोल। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, द्विध्रुव। तो द्विध्रुव अगर हिंदी में बात किया जाए तो द्विध्रुव क्या है, कि जब दो समान और विपरीत आवेश, जब दो समान व विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ d दूरी पर रखे हों, ठीक है, तो ऐसी युक्ति को हम लोग डाइपोल कहेंगे, ऐसी युक्ति को हम लोग द्विध्रुव कहेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो एग्जांपल में हम अगर लेना चाहें, जैसे एग्जांपल में हमारे जैसे HCl, इस तरह के कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो HCl क्या है कि एक, देखिए दोनों पे जो चार्ज का अमाउंट ऑफ चार्ज है, दोनों पे वन वन का है, दोनों पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है सेम है, बट बोथ आर इन अपोजिट नेचर, दोनों का जो नेचर है वो दोनों का क्या है, अपोजिट है। आप देख सकते हैं कि अगर ये Cl है, ये H है, ठीक है, अभी इस पे पार्शियल पॉजिटिव, पे पार्शियल निगेटिव, दोनों पे चार्जेस क्या है, चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन नेचर देखिए एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है, दोनों पे मैं कह दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन को हुआ, तो वन इलेक्ट्रॉन का, यानी कि वन चार्ज, यानी वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। अगर यहाँ पे टू निगेटिव होता, यहाँ पे टू पॉजिटिव होता डेल्टा का, तो दो दो इलेक्ट्रॉन की उस वो आ जाती, दो दो इलेक्ट्रॉन का नेचर आ जाता, दो दो इलेक्ट्रॉन के चार्जेस आ जाते, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अब इसको क्या करते हैं, मिटा रहे हैं, और मिटाने के बाद हम लोग समझेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट इसको मिटाते हैं।
पानी मेरा। तो कैसे पता करेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे ज्यादा दूध लपेटना पड़ेगा। तो अब समझने वाले हैं बहुत भौकाली चीज क्या कि द्विध्रुव आघूर्ण है क्या। द्विध्रुव तो सबसे पहले मनाएंगे द्विध्रुव, तो मैंने कहा कि एक प्लस चार्ज सेम मैग्नीट्यूड सेम हो, देखिए क्यू ये भी चार्ज है, क्यू वो भी रहेगा जो अगला लेने जा रहा है, लेकिन नेचर अलग, एक प्लस दूसरा माइनस। तो जब दो चार्जेस सम डिस्टेंस डी पर यानी कि रखे हों तो ऐसी युक्ति हमारा क्या कहलाता भैया? द्विध्रुव कहलाता है, डाइपोल कहलाता है। ठीक, अब मैं कहूंगा कि जो हमारा म्यू है, सबसे पहले जानेंगे कि जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। डाइपोल मोमेंट को काहे से डिनोट करते हैं? तो म्यू से डिनोट करते हैं। अब ये म्यू भैया म्यू, तो डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि किसी भी डाइपोल का ये डाइपोल है, इसके किसी एक चार्ज का एक चार्ज तथा इनके बीच के दूरी के गुणनफल को, यानी हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस आर कॉल्ड क्या? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है? तो डाइपोल मोमेंट किसी भी डाइपोल के किसी एक चार्ज तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात, आप देखिए तो मेरे पास किसी भी एक चार्ज को ले लें, तो एक चार्ज को ले लिया Q, ठीक है, एक चार्ज ले लिया Q। अब इनके बीच की दूरी कितनी है? d, तो इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय d, यही हमारा क्या हो गया? डाइपोल, यही हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों? डाइपोल मोमेंट। अब देखो अब करना क्या है, डाइपोल मोमेंट अब हम जानेंगे कि ये जो म्यू है, ये म्यू की जो है क्या यूनिट क्या होती है, तो म्यू का यूनिट जो है हम लोग यहां से देखेंगे, तो म्यू क्या हो जाएगा? क्यू का यूनिट क्या होता है? कूलाम। डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मेटल में काम आता है, 10^-18 ESU सेंटीमीटर, दिस इज 1D। 1D ये क्या है? डी क्या है? अब डी के बारे में समझेंगे, इतना बराबर 1D होता है, इतना बराबर 1D। अब ये डी क्या है? तो डी है डिवाइड, डिवाई, और डिवाई क्या होता है? तो डिवाई इज द यूनिट ऑफ, डिवाई इज द यूनिट ऑफ म्यू, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका यूनिट क्या होता है? डिवाई। डिवाई इसको लिखते क्या है? डी को भैया, तो डी जो होता है ये डिवाई होता है डी बाय, ये डिवाई, ठीक है, याद रहेगा सभी बच्चों, सभी को याद रहेगा, ठीक, ये डिवाइड। तो 10^-18 ESU सेंटीमीटर, दैट इज 1 D, ठीक। और इसमें हम लोग क्या समझ सकते हैं? एक चीज और समझ सकते हैं, तो जैसे हमने कहा कि जो हमारा डाइपोल होता है उसका एग्जांपल जो है HCl है, HCl या इस तरह के जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे उस टाइप के सारे क्या होंगे? डाइपोल होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो प्यारे बच्चों इसको डिनोट भी करते हैं, डाइपोल मोमेंट को कैसे डिनोट करते हैं? तो एरो से डिनोट करते हैं। और एरो से कैसे रहेगा? एरो जो एरो का जो तीर होता है, नुकीला वाला तीर नहीं होता, किसी भी तीर को देखोगे नहीं देखोगे आगे नुकीला ऐसे होता है, ठीक। तो जो नुकीला पार्ट होता है, ठीक है, वो हमेशा जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ रहेगा, हमेशा किसके तरफ रहेगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? Cl, तो Cl की तरफ रहेगा ये, ठीक है, और इसके तरफ ऐसे ये है, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको? डाइपोल मोमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मोमेंट को, ठीक। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, यहां तक हो गया। आगे बढ़ेंगे और क्या देखेंगे प्यारे बच्चों कि HCl हो गया, इतनी बात मैंने कंप्लीट कर दिया, लगभग सब कुछ कंप्लीट कर दिया, इसमें और कुछ बताने योग्य तो नहीं है, मैं देख लूँ, नहीं तो डायरेक्ट जो है एक न्यूमेरिकल करते हैं।
तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्यारे बच्चों दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक चीज और हम लोग कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्यों, और ये वेक्टर क्वांटिटी जो है ये एरो बताएगा कि इसकी डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन इसका किधर होगा, कौन बताएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा, ठीक है, तीर हमेशा उसके तरफ इशारा करेगी, तीर हमेशा उसके तरफ, तीर नजरों का न मारा करो। तो देखेंगे तो ये जो HCl है इसका तीर देखिए हमेशा जो तीर ये एरो है, ये एरो हमेशा किसके तरफ इंडिकेट करेगा, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के तरफ इंडिकेट करेगा, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ क्या करेगा इंडिकेट। तो मैं क्या कह रहा हूं कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर ये ऐसी बात है तो ये हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये जो अभी हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट के बारे में जो बात किया है ये है कब के लिए, तो डायटॉमिक के लिए, है ना, ये देखो दो एटॉमिक के लिए डायटॉमिक, है ना, बोल सकते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अभी हम लोग और बात करेंगे कि जब मान लो कि हमारे पास डायटॉमिक के अलावा कई सारे एटम जो है मिलकर मॉलिक्यूल बनाया हो, जैसे एग्जांपल में हो जाएगा हमारा H2O, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है, तो उस टाइप के भी एलिमेंट, उस टाइप के भी मॉलिक्यूल का हम लोग देखेंगे क्या कि डाइपोल मोमेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले कि जो है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम बता दें कि कैसे निकाला जाएगा डाइपोल मोमेंट, यानी कि हम लोग फार्मूला ये वाला यूज करेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। अगर हमारे पास जो है डायटॉमिक टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल है, डायटॉमिक दिस टाइप, डायटॉमिक टाइप का भी कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके लिए जो है फार्मूला, फार्मूली जो है आप कौन सा यूज करेंगे, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, ये वाला फार्मूली। सिंपल एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ना, ऐसे कहाँ समझ में आएगा कचरों, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो आओ और देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज 1.27 एंगस्ट्रॉम, 75 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट इट्स डाइपोल मोमेंट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट्स का जो है, डाइपोल मोमेंट्स का फार्मूला लिखेंगे। तो हमारे पास पता है कि म्यू इज इक्वल टू होता है हमेशा क्यू इंटू डी, और चूंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन द्वारा चार्ज है, यानी कि 1e इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज है, या हमारे इस पे कितना चार्ज होता है, प्लस का 1 माइनस का 1, इस पे प्लस का 1, इस पे माइनस का 1, चार्ज इतना ही तो होता है पार्शियल का। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो सबको पता है, बच्चा बच्चा को पता है कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ये कूलाम में है। इसी को अगर हम लोग जो है ESU में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 4.8 × 10⁻¹⁹ ESU। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये आपको जो है दिख रहा होगा कि ये जो है ESU में ये है ESU, ठीक, तो ये चीज आपको जो है याद होनी चाहिए। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले, तो हमारे पास क्यू कितना है, 1.6 × 10⁻¹⁹ ये कूलाम में है, इंटू डी कितना है, डी डिस्टेंस, तो हम देख रहे हैं ये जो टाइप, ये जो बॉन्ड लेंथ है वही क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो 1.275 इंटू एंगस्ट्रॉम में है, तो इसको बारे में चेंज कर लेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 10⁻¹⁹, और ये बेटा ये जो है MKS सिस्टम में आ गया, ये वैल्यू किस में आएगी, MKS सिस्टम, ठीक है। आप इसको जो है कैलकुलेटर इस्तेमाल करके या खुद स्वयं पेन चला के इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालिएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर इसी चीज को जो है हम लोग अगर CGS में लाना हो तो क्या करेंगे, ये तो MKS में आ गया, CGS में सीधे सीधे हम कूलाम के जगह पे ESU का यूज करेंगे, तो हमारा आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू क्यू के जगह पे कूलाम वाला ना लेकर हम लोग कौन सा वाला लेंगे, ESU वाला,
तो 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU, लिख भी लो ESU इंटू 10, ये हो जाएगा D जो है D। अब ये सेंटीमीटर में हमको लेना है, D का है लेना सेंटीमीटर में, तो हमारे पास हो जाएगा 1.275 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में 10 की पावर माइनस 10 होता है एंगस्ट्रॉम, और इसमें क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट करना उसको, तो आराम से क्या कर देंगे 10 की पावर प्लस 2, ठीक है, यानी कि उसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा इतना आ जाएगा। तो सिंपली हम लोग समझ गए कि ये कैसे आया, हम लोग समझ गए ये चीज जो आएगा ये CGS में, ये CGS में, ठीक है। और चूंकि लेकिन हमको ये भी पता है एक वैल्यू कि अगर हम इसको ये कर दें तो 4.8 इंटू 1.275 इंटू 10 की पावर माइनस 18, 10 की पावर माइनस 18 सेंटीमीटर, यह आ जाएगा ESU सेंटीमीटर, ठीक है, ESU सेंटीमीटर। तो इतना आ गया, इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो आप लोग इसको आराम से मल्टीप्लाई करके देखिएगा कितना आ रहा है, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये आएगा 6.12 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। और इससे पहले हमने बताया था क्या कि इतने ESU सेंटीमीटर को इसको हम लोग बोलते हैं 1D, 1D, D by D by D by D by, ठीक है, तो 1D by क्या होता है, फिर ये इतना होता है, तो हम इसके जगह पर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 6.12, और इस पूरे की जगह पर 1D by होता है, इसलिए हम यहाँ पर D यूज कर सकते हैं। तो यहां से म्यू की जो वैल्यू आ गई ये आ गई सिंपली, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या डाइपोल मोमेंट, हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हमको दिया हो कि बॉन्ड लेंथ ऑफ डाइपोल, किसी भी डाइपोल की अगर बॉन्ड लेंथ दी हुई हो, ठीक है, तो हम उसका आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसको इरेज करते हैं, सावधान होशियार खबरदार, जहां अपना पधार रहे हैं, मिट गया। तो इसी क्रम में पहले बच्चों आगे बढ़ते हुए अब हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही भौकाली चीज, वो चीज है क्या कि अब हम जो मॉलिक्यूल लेंगे उसमें जो है डायएटॉमिक नहीं होंगे, उसमें डायएटॉमिक नहीं मॉलिक्यूल होंगे, उसमें दो या दो से अधिक होंगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, क्या लेंगे पॉलीएटॉमिक, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लेने वाले हैं। अब तो देखिए कैसे लेंगे भैया, मान लीजिए कि हमारे पास जो है एक मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ठीक, इसको ए भी नाम दे, तो इसको कुछ नाम दे देंगे ए बी सी, इसको थोड़ा सा और अच्छा मान लेते हैं ताकि अच्छा लगे, तो ये हो जाएगा बी, ये हो गया, इसको मान लेंगे ये म्यू वन है और इसको मान लेंगे ये म्यू टू है। अब एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद कीजिए, अगर आप लोग को याद आ रहा है तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद आ रहा होगा कि ला ऑफ वेक्टर, ला ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम, सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम, उस नियम के अनुसार जब हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, इसका क्या निकालते हैं बच्चों,
इसका जब हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो रिजल्टेंट, ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है, तो वो रिजल्टेंट कितना आता है, तो याद हो तो जब हम म्यू रिजल्टेंट इसके निकालेंगे उसमें अगर देखा जाए तो वो क्या आता है, वो आता है जैसे हमारे पास मान लो कि ये वेक्टर पी है और ये वेक्टर क्यू है, तो उसमें क्या आता है कि रिजल्टेंट जो आता है वो अंडर रूट पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ये आता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इस वाले का क्या कर देंगे, वही हम लोग समांतर चतुर्भुज का नियम लगा देंगे, वेक्टर का जो सदिशों का समांतर चतुर्भुज का नियम होता है तो उसी को हम लोग क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा उस हिसाब से, अंडर रूट म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा अगर कोई जो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप से दिया हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये यूज करेंगे म्यू आर इज इक्वल टू, जो कि हम लोग जो है वेक्टर में पढ़ चुके हैं। आपको ये जो आपको जो है इसका मैं पूरा डेरिवेशन, इसका जो है जो लॉ ऑफ वेक्टर पैरेललोग्राम है, इसका पूरा डेरिवेशन जो है आपको लिंक में मिल जाएगा, क्या डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है आपको। तो प्यारे बच्चों, ये जो है हमारे पास वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जो वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के माध्यम से हम लोगों ने ये लाया था कि हमारे पास दो वेक्टर P और Q होते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट जो है हम लोग निकालते हैं, तो ये आता है। ये कैसे आता है, इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे आ गया उसी सेम एज सेम, मैंने इसमें क्या कर दिया, इस वाले में अप्लाई कर दिया, और यहाँ से जो हमारा म्यू रिजल्टेंट आएगा, ये म्यू वन है म्यू टू है, इन दोनों का जो म्यू रिजल्टेंट आएगा वो आएगा अंडर रूट म्यू वन का स्क्वायर प्लस म्यू टू का स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब पूरा का पूरा मामला क्या हो गया, अब डिपेंड करेगा किस पे, थीटा पे। अब थीटा पे डिपेंड करेगा कुछ मामला, तो इसको अगर हम अगर लिखना चाहें तो इसको ये अंडर रूट को इधर भी ला सकते हैं, तो हम लोग म्यू लिख सकते हैं, कैसे म्यू आर का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं म्यू वन का स्क्वायर म्यू टू का स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। अगर प्यारे बच्चों थीटा, अगर हम एक ग्राफ बनाए कि थीटा और कॉस थीटा में, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं कि थीटा और कॉस थीटा में कैसे वेरिएशन होगा, तो आपको कहेंगे कि अगर ये मान लेंगे, अगर हम ये मान लें कि ये थीटा है, ये क्या है थीटा, उम्मीद करते हैं कि जो है दिख रहा होगा। ठीक है, और इसको मान लें कि ये क्या है कॉस थीटा है, ये क्या है कॉस थीटा। तो थीटा और कॉस थीटा में कैसे वेरिएशन होगा, जब थीटा जीरो रहेगा, आपको पता है कि थीटा जब जीरो लेंगे तो कॉस थीटा क्या आएगा वन आएगा, कॉस थीटा क्या आएगा वन, तो ये हो गया वन, तो वन। ठीक, ये कॉस थीटा क्या लिया जीरो, कॉस थीटा जीरो, यानी कि थीटा हमने क्या लिया जीरो, तो कॉस थीटा कितना आएगा वन, यानी कि जीरो, यानी कि देखिए जब हम थीटा क्या ले रहे हैं जीरो, तो कॉस थीटा क्या आ रहा है वन। ठीक, यानी कि थीटा जैसे जैसे बढ़ाएंगे, थीटा को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, कॉस थीटा वैसे वैसे क्या होगा कम होगा, कॉस थीटा क्या होगा कम होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि थीटा जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कॉस थीटा के, या फिर इसी का उल्टा बोल सकते हैं कि कॉस थीटा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के, यानी कि थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू एकदम कम कर देंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू हमने जीरो कर दिया तो कॉस थीटा वन आ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि थीटा को जैसे जैसे बढ़ाएंगे कॉस थीटा कम होगा, थीटा को जैसे जैसे कम करेंगे कॉस थीटा बढ़ेगा। अब बताओ जब थीटा इज इक्वल टू हम ले लिए कितना, यहाँ होता है 90, अगर हम ले लिए 90 मैंने पाई बाई टू, या इसी को बोलते हैं 90 डिग्री, इसी को बोलते हैं 90 डिग्री, पाई बाई टू को ही। तो जब हम थीटा कितना ले लेंगे 90 डिग्री ले लेंगे,
तो जब हम थीटा कितना ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे बच्चों। तो यहां से जो कॉस थीटा है उसमें वैल्यू रखिए थीटा की, अब 90, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। कॉस थीटा की वैल्यू जीरो आएगी, यानी कि यहाँ पे मान क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, अब ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू होता है, तो 180, यानी कि माइनस का यहाँ पे जो है 180, यानी पाई, ये पाई इसी को लिख सकते हैं 180 डिग्री। जब 180 डिग्री ले लेंगे तो हमारा जो है 180 डिग्री, तो थीटा की जगह आप 180 डिग्री रख के देखिए, तो थीटा के जगह पे तो कॉस थीटा की वैल्यू आता है -1, कितना आता है -1, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो होगा ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा -1 होगा। ठीक है, -1, यानी कि थीटा जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं हमारी कॉस थीटा की वैल्यू घटती जा रही है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से ये भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें भी वही मामला होगा कि थीटा अगर कम तो ये क्या है, म्यू जो है, म्यू रिजल्टेंट जो है, क्या किसका, डाइपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट है वो ज्यादा आएगा। ठीक है, कॉस थीटा अगर कम हो रहा है, कॉस थीटा अगर इसकी थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे तो कॉस थीटा कम होगा, कॉस थीटा कम होगा, और कॉस थीटा अगर कम हो रहा है तो ये भी कम होगा रिजल्टेंट, ओवरऑल रिजल्टेंट जो है वो कम होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग ये बात को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इतना मिटाते हैं फिर आगे और समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि थीटा को हम लोग जो है कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। अगर थीटा जो है पैर उच्चो, अगर थीटा जो है 90 डिग्री हो गया, ठीक है, अगर थीटा 90 डिग्री, मैंने अभी अभी क्या बताया था कि जो कॉस थीटा होता है वो 1/थीटा होता है। ठीक, यानी कि हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे, थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कम आएगी। ठीक है, जैसे कि देख ही लीजिए कि आप जब ये थीटा अगर हम 90 रखते हैं तो ये वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। ठीक, तो जैसे जैसे बढ़ाते हैं वो कम आती है। ठीक, थीटा अगर हम लोग यहाँ 90 रख रहे हैं तो ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि ये वाली पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, थीटा जब 90 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, तो हम लोग के पास क्या आएगा, अंडर रूट म्यू 1 का स्क्वायर म्यू 2 का स्क्वायर प्लस ये वाला तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा जब क्या रखने जा रहे हैं 90, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो ये वाली क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ से आ जाएगा म्यू आर, या ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू 1 का स्क्वायर प्लस म्यू 2 का स्क्वायर। और क्या हो सकता है, थीटा की वैल्यू जीरो रख दीजिए, जब जीरो रखेंगे तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जब 1 हो जाएगा तो ये फार्मूली बन जाएगा किसका, म्यू 1 प्लस म्यू 2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तब हमारे पास बचेगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू जब 0 होगा, 0 डिग्री, तब हमारे पास बचेगा म्यू आर जो आएगा वो म्यू 1 प्लस म्यू 2 का स्क्वायर, ये नहीं आएगा, बस इतना आएगा, ये आएगा। इसी तरह आप 180 रख सकते हैं, 180 पे भी आपको पता चल जाएगा क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं और एक दो जो है हम लोग एप्लीकेशन लेते हैं इस पे, इसके एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं। इसमें एक दो कंडीशन और लेते हैं, और एक दो क्या एक और कंडीशन लेते हैं। 180 पे आप लोग कर लेंगे आराम से, क्योंकि आप लोग कर सकते हैं 180 पे जैसे ही लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, यहाँ पे जैसे ही -1 करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा म्यू 1 माइनस म्यू 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो करके बता दें, चलिए ठीक है बता ही दिया जाता है, इसको भी कर देते हैं, देख लीजिए। तो थीटा जब क्या हो जाएगा 180, जब थीटा जैसे ही 180 रखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू 1 स्क्वायर म्यू 2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस के, अब ये देखो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 180 कर रहा है, 180 जो होता है -1 होता है, ये हो जाएगा -2 म्यू 1
वन म्यू टू। अब ये फार्मूला जो अंदर है इसको आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अंदर डेवलप हो रहा है, जिससे जो है म्यू वन माइनस म्यू टू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ बचेगा म्यू आर। म्यू आर फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू वन डिफरेंस म्यू टू, ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है जो कि ना हमारे पास है ना आपके पास है, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर।